tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Feel. हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। तो आज है पुल सेशन, एक्सरसाइज करेंगे पुलअप्स एज ए वार्म अप। और वैसे नॉर्मली मैं पुलओवर्स के साथ करता हूँ, बट मुझे लगता है कि काफ़ी देर से मैंने पुलअप्स नहीं करे हैं, सो इसलिए आई एम डूइंग पुलअप्स टुडे। और इसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न ये है कि लैट्स थोड़े वार्म अप हो जाएंगे फॉर माई वेट। स्लो सेंट्रिक्स में ही लगाऊंगा मैं, ट्राई तो यही करूँगा कि मैं नीचे स्लो आऊँ। तुमने देखा होगा कि ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन, नीचे 2 या 3 सेकंड में आओ, स्लो आओ। और मैं लगाऊंगा यहाँ पे चौक, क्योंकि हाथ थोड़ा स्लिप हो रहा है मेरा, सो मैंने यूज में चौक या थोड़ा चौक लगाया मैंने, तो इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ी ग्रिप अच्छी बनेगी। तो इसके बाद करना है पुलओवर्स, डंबल पुलओवर्स। तो इसमें हिप्स को हमेशा नीचे रखते हैं, हिप्स डाउन, स्ट्रेच इन द लैट्स। एंड इस पर मोस्टली लोगों के ना ट्राइसेप्स पे आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे ना फोरआर्म को ऐसे बंद कर लेते हैं, तो वो ट्राइसेप्स, हम आप देख रहे हो कि हाथों को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, तो इससे ट्राइसेप्स पे नहीं आ रहा है। हिप्स हमेशा डाउन रखो अपने इसको करते हुए। नाइस, नाइस एंड स्लो, शाबाश। ओके, RDLs, Romanian deadlifts, जो कि मेरी हैमस्ट्रिंग्स, मेरे ग्लूट्स, मेरे इरेक्टर्स, इन सबको टारगेट करेगी। तो मैं पोस्टीरियर चेन सारी वर्क कर रहा हूँ अपनी, बैक में मैं हैमस्ट्रिंग्स को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसमें वही सेम चीज़, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर एंड देन अप, ताकि मेरे हैमस्ट्रिंग्स पे और ग्लूट्स पे अच्छा एक स्ट्रेच आए। स्ट्रेच 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 एंड बूम अप। तो इसके पे करेंगे 3 सेट्स अभी, और साथ साथ में वेट बढ़ाते जाएंगे। और ये ग्रिप्स में जैसे मैंने आपको दिखाई थी वो यूज़ करूँगा, इससे मेरी थोड़ी ग्रिप अच्छी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको उल्टा बांधते हैं, जो ग्रिप आपको लेनी है उसके उल्ट पोजीशन में बांधना है, और फिर ऊपर से कवर करते हैं उसको, फिर घुमाते रहते हैं उसको, टाइट होता है वो। मेरे को इसके 8 रेप्स तो चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको स्लो पोजीशन में लगाऊँ, क्योंकि मेरे को हैमस्ट्रिंग टारगेट करने हैं, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स ऑफ कोर्स। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my ये ट्रिप्स इसकी वजह से लगा, सच में बता रहा हूँ मैं। अगर ये ना होते तो नहीं लगना था, ग्रिप लूज़ हो जाती। और वैसे भी बीमार होने के बाद मैं भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है मुझ में। सो धीरे धीरे रेप अप कर रहा हूँ। हूल और लूल stretch stretch and then squeeze the warm up set hai मैंने इसके 8 ही रेप्स करें। अगली एक्सरसाइज करेंगे हिप थ्रस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्लूट्स भी टारगेट कर रहा हूँ अपने, तो हिप थ्रस्ट भी लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब लोग कट फेस में आते हैं ना, तो उनके ग्लूट्स बहुत वीक हो जाते हैं डेफिसिट में रहने की वजह से। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जब मेन फिजिक के शॉर्ट्स पहनूँ और मेरे ग्लूट्स फ्लैट हों पीछे से। तो यही एक रीज़न है कि आई ऑलवेज टारगेट माई ग्लूट्स स्पेसिफिकली अलग से। ये सेटअप है। एक और लगाएंगे माड़ी, इधर नू होनी है, इधर नू मैं भी और बस। ओके बिल्कुल ठीक है। मैं ना चुभ रहा है मेरे को थोड़ा सा, एक्चुअली ये फॉर्म ख़राब हो गया है इसलिए मैंने कपड़ा रखा है यहाँ पे। तो हम पोस्टीरियर चेन सारी वर्क कर रहे हैं। पोस्टीरियर चेन में हैम्स, ग्लूट्स, लोअर बैक, अपर बैक, ट्रैप्स, ऑलमोस्ट सारे मसल ग्रुप आ जाते हैं। तो मैंने कर रहे हैं 15 रेप्स। एक सेट और लगाएंगे, इसका ड्रॉप सेट करूँगा मैं, क्योंकि आज ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मेरी हैमस्ट्रिंग्स की। मैं जस्ट इनको टारगेट कर रहा हूँ फ्रिक्वेंसी देने के लिए, ठीक है। बट फिर भी मैं स्लो सेंट्रिक्स लगा रहा हूँ, हर रेप को फील कर रहा हूँ, स्क्वीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे हैमस्ट्रिंग्स अंडर डेवलप ना रहें इन द फ्यूचर, राइट, क्योंकि हैमस्ट्रिंग सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड मसल ग्रुप है। Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my... Nahin. Last drop. तो हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स की मूवमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है और अब बैक की मूवमेंट लगाऊंगा, एक मैं बारबेल रो एंड देन रियर डेल्स एंड श्रग्स. Machine row, one arm at a time, to get a good stretch on this one. Stretch, 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 and then squeeze. जो सप्लीमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी लेटेस्ट अपने सप्लीमेंट लिस्ट में ऐड करा है, वो है एल कार्निटाइन बाय मसल ब्लेस. मैं आपको दिखा देता हूँ अभी. इसका फ्लेवर है टैंगी ऑरेंज फ्लेवर और ये भी मसल ब्लेस की वेबसाइट पे आपको मिलेगा. क्योंकि मैं कट फेज में हूँ और एल कार्निटाइन मैं ज़रूर कंज्यूम करता हूँ बिफोर माई सेशन, क्योंकि ये हमारी फ़ैट को मेटाबलाइज करता है. जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं, कोई कार्डियो करते हैं, हमारी फ़ैट एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है. तो इसलिए एल कार्निटाइन मैं हमेशा अपने कट सोर्स में यूज़ करता हूँ. आइसोलेट एल कार्निटाइन, क्रिएटिन, एल ग्लूटामिन, ये मेरे सप्लीमेंट्स रहते हैं. बट दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड टू ऐड इन योर लिस्ट. आप इसको मसल ब्लेज की वेबसाइट से बाय करना. एंड आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना. हाउ वाज इट, कैसा लगा आपको मेरा बैक एंड हैमस्ट्रिंग सेशन? एंड बहुत बेसिक था, सिंपल था, स्लो सेंट्रिक्स, ट्राइंग टू फील एवरी मसल ग्रुप एज पॉसिबल. कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेंथ को वापस गेन करने की. टाइम लगेगा बट दैट विल बी फाइन, मेरे पास थोड़ा टाइम है अभी. और कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में छोड़ना एंड आई विल रिफर बैक, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा. एंड कल आऊँगा नई वीडियो के साथ. थैंक सो मच.